में है। इसको हम थोड़ा रिपीट करते हैं। मून का सैटेलाइट था तो अर्थ का, मून अगर सैटेलाइट है तो अर्थ जो है तो प्लेनेट है, हाँ फोरकास्ट का अगर फ्यूचर के ताल्लुक है तो रिग्रेट पास्ट से जुड़ा होगा, उसी तरह से ये जो है दूसरा इन्फ्लुएंसर, इसका मतलब क्या है? भाई मत वबाई मर्ज होगा। इन्फ्लुएंजा जुकाम। इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा जुकाम जैसा फैल सकता है, मतलब ये अलग से वबाई जुकाम। हाँ भाई वबाई मर्ज भी हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? फैलने वाला, तो वायरस जो है तो फैलता है एक दूसरे के टॉवेल इस्तेमाल करने से, ये चीजें इस्तेमाल करने से, सारी बात करने से। और टाइफाइड, तो टाइफाइड जो है तो वो क्या है, इसके डेफिनेशन में भी आता है। देखिए टाइफाइड जो रहेगा टाइफाइड ये क्या रहेगा, एंटिक फीवर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये इसकी डेफिनेशन में ही, कॉज बाय कॉन्टिमिनेटेड डाइट्री इंटेक। तो ये वाला कोई, तो टाइफाइड हो गया मतलब बैक्टीरिया से बिलोंग करेगा वो। प्रोटोजोआ जो आपका था, तो तो प्रोटोजोआ का क्या है? प्रोटोजोआ से प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ इब्तदाई मादा जो खोजबीन के वस्तात के उस्ताद से देखा का जाए। देखा जा खोजबीन की वस्तात से, मतलब जैसा अपने ब्लड के, जो ब्लड के अंदर जो है खोजबीन के थ्रू में जो देखा जा रहा है वो सारी चीज, उसी तरह से, मतलब ये चीजें भी समझना जरूरी है। पैरासाइट क्या होता है? सर ये अपना तो मैं नहीं बोल रहा पैरासाइट तो पहली क्या होगा, प्लांट और एनिमल दैट लिव्स और अनदर प्लांट एनिमल गेट्स फूड फ्रॉम इट। पैरासाइट समटाइम कॉज डिसीज भी, तो इसके थ्रू जो है तो कभी कभार डिसीज मिल सकता है। परजीवी वनस्पति या जंतु या रोगों का कारण भी बन सकता है। और बैसिलस मतलब बैसिलस बैसिलस का, बैसिलस सर हमको एक मालूम है लैक्टो बैसिलस जिसे दही मारता है ये भी वो है गुड बैक्टीरिया है सर बैसिलस बैसिलस उसको प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, बैसिलस, बैसिलस अ टाइप ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग क्रिएचर, क्रिएचर बैक्टीरियम जिसको कहेंगे। देर और आर गुड सेवरल टाइप्स बैक्टीरिया ऑफ, हाँ गुड बैक्टीरिया। तो गुड क्यों बोल रहे हैं उसको? सर वो एक्चुअली दही बनाने का सिस्टम वाला था हम ने हार्मफुल ले रहा था उसको हम कंज्यूम कर सकते ये हैं तो बोल रहा है कि विच कॉज डिसीज। तो नहीं, जो मैं बोल रहा लैक्टोबैसिलस ओके लैक्टोबैसिलस वो उसकी अच्छा तरफ। रहता है मगर जो बैसिलस नॉर्मली है वो दोनों ओके में भी यूज कर सकते गुड ओके बैसिलस भी रह सकता है बैड भी रह सकता उसके बाद में, तो इसका जो है तो आंसर आ गया टाइफाइड बैक्टीरिया। फोर्थ, फियर का अगर थ्रेट है तो एंगर का क्या हुआ? मतलब फियर का का थ्रेट क्यों हुआ? पहले ये बोले थ्रेट मतलब धमकी थ्रेटनिंग, जैसा जैसे बोलेंगे बोल थ्रेटनिंग तो नहीं, धमकी दे रहा उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है? थ्रेट, ट्रेट ट्रेट अ वार्निंग दैट समबडी मे हर्ट किल और पनिश यू इफ यू डू नॉट डू व्हाट ही और शी वांट्स। उसके हिसाब से काम ना करने पर आपको मिलने वाली धमकी को कहेंगे थ्रेट। तो अगर फियर, डर अगर जुड़ा है थ्रेट से, धमकी से, तो एंगर किससे जुड़ा हो? फोर्स, प्रोवोकेशन, पैनिक, कंपल्शन। सर मेरा एक दो है एक है प्रोवोकेशन और एक है फोर्स दोनों में से कोई एक प्रोवोकेशन फोर्स या प्रोवोकेशन? तो उकसाना अब उकसाने से भी गुस्सा आता तो हाँ सी समझ के करना हो प्रोवोक करना मतलब उसका कारण बन रहा है, धमकी सर देने का कारण अगर फियर बन रहा है तो प्रोवोक करने का कारण, उकसाने का कारण एंगर बन रहा है। और पैनिक होना मतलब ये दुख में है, दुख के अंदर। डर डर कंपल्शन आना फोर्स, तो देखते हैं फोर्थ वन का, तो सी सही जवाब है, फर्स्ट अराइज फ्रॉम द सेकेंड सी, सही है तो प्रोवोकेशन इज राइट आंसर। उकसाने से तो गुस्सा है, मेल्ट अगर, लिक्विड अगर मेल्ट हो जाएगा मतलब
मेल्ट होने पर लिक्विड अगर बनेगा तो फ्रीज होने पे क्या बनेगा, ये कल भी सॉलिड आया था। नहीं सर, मेल्ट लिक्विड, अगर पिघलने पे लिक्विड बन सकता है तो जो है तो जमने पे क्या बनेगा। वैसे सर सॉलिड, ठीक है अभी तो हमने इतना आसान बोल दिया उर्दू में, सॉलिड सॉलिड सर, कैसे बनेगा, सर क्यों बोले तो आइस भी सॉलिड ही फॉर्म ना वाटर का, क्रिस्टल भी सॉलिड फॉर्म ही चेंज थे। होता है ना सॉलिड का सब्सटेंस का मतलब, फिर वो पिघलाने पे मतलब वैसा नहीं रहेगा। मेल्ट नहीं सर, पिघलने पे और कोई आइस आंसर सही ना है? सर? आइस, आइस, तो इसका सी जो है तो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड सॉलिड। वही तो सर, हाँ कोई भी चीज सर फ्रीज होगा सॉलिड ही बनेगी ना, हाँ मतलब आइस बन रही है लेकिन ठोस शक्ल हो जा रही है। वही तो सिर्फ सॉलिड ही बनी ना कोई भी जमने के बाद। हाँ सॉलिड अब उस और पे लिक्विड, वाटर का थोड़ी दिया हुआ है, क्रिस्टल और क्रिस्टल मतलब मतलब वो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है वही काफी, तो वो उसमें भी जम रहा था सर। हाँ उसमें भी जमेगा। ना, कंडेंस करना मीन्स कंडेंस अपना थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, गाढ़ा 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 गाढ़ापन। कंडेंस चेंज मेक्स गैस टू लिक्विड, गैस से लिक्विड में बनेगा। तो सी मतलब सॉलिड बिल्कुल सही जवाब आया। उसके बाद क्लॉक का अगर टाइम होगा तो थर्मामीटर का क्या होगा, थर्मोमीटर का सर हीट, हीट रहेगा नहीं टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर। मतलब क्लॉक अगर टाइम बताती है तो थर्मामीटर क्या करेगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर बताता था। तो डी इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द सेकेंड। गुरुद्वारा उसके बाद है मुस्लिम मॉस्क है तो उसके बाद सिख गोल्डन टेम्पल नहीं गुरुद्वारा सर, तो गुरुद्वारा। गोल्डन टेम्पल बोल तो सर वो एक ही पर्टिकुलर जगह हो गए थे। हाँ तो इसका डी बिल्कुल सही जगह, वर्शिप ऑफ फर्स्ट। इसका क्या है, पा पा जो है तो कैट का है पंजा, तो हूफ किसका रहेगा, सर घोड़े की नाल को हुक बोलते क्या? घोड़े की नाल को। मैं कुछ पूछ रहा किसको बोलते, हुक किसको बोलते? देखिए अगर नहीं समझा तो ऐसा देखना है चेक करके, लायन के पंजे को क्या बोलेंगे, क्लॉक उसको भी क्लॉक पा क्लॉक क्लॉक क्ला बोलेंगे। लैम लैम मतलब बकरे का, मेंढे का बच्चा, हाँ शीप शीप का चीर बच्चा। का बच्चा, उसको क्या बोलेंगे, उसके पंजे को, हाँ, पंजों के ताल्लुक से कोई एलिफेंट। एलिफेंट का तो नहीं हो सकता, घोड़े या उसमें तो कंफ्यूज है, ओ घोड़े का चेक मैंने करते हैं, कहा तो घोड़े का, घोड़े उसका है ए, का फर्स्ट इज द चल। नेम गिवन टू द फुट ऑफ द सेकेंड, हाँ तो हूफ हॉर्स का ही है। मेरे को हाँ लग घोड़े रहा के नाम राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट, आई का अगर मायोपिया है तो टीथ का क्या होगा, कर लो सर। आई का मायोपिया टीथ का, एक्जेमा, ट्रैकोमा, कैटरेक्ट। कैटरक तो आकार था आपका तो ये बता दिया ना मायोपिया, मायो क्या करता तीर्थ का नहीं मालूम सर। पायोरिया। अभी हम पहले देखते हैं कि मायोपिया मतलब क्या है। इसका MYOPI सर चलिए मैं आप ऑनलाइन वो आँख सर्च की जो वो रहती सर वो हाँ अभी है। देखो सर 11 बता। हाँ एबिलिटी टू सी थिंग्स क्लियरली व्हेन दे आर फार अवे, मायोपिया मायोपिया, दूर की वस्तुओं को स्पष्टता से देख वो पाना, आंखों का छेद, ये है। तो अब हम एक एक को पहले देख लेंगे। पायोरिया पायरिया तो उसकी बोलिए पायो, आरी बस फ्रॉम एलवियोली सर XO डिस्ट्रक्शन ऑफ पेरिडेमिक टिश्यू दैट गिव्स टीथ, ये टीथ का है, एंकर्ड टू गम्स एंड जॉ बोन, ट्राइकोमा चबाने का और एंकर्ड टू टीथ। और ये देखेंगे कैटरेक्ट अभी उसके बाद देखते तो कैटरेक्ट, ना कोई मोतियाबिंद को बोलते हैं, वो तो आँख का छे। हाँ मोतियाबिंद नॉर्मल चेंजेस इन आईज एज यू गेट ओल्डर। अभी अच्छा राखो इसमें देखिए कैटरेक्ट का नहीं लिया, तो आई का मायोपिया मतलब क्या था, दूर से स्पष्टता से देखना, देखना। तो ये वाजे था, और ये जो है तो डिसीज है। तो टीथ का ये क्या आ रहा है, ये डिसीज है, तो उसका मतलब
हेल्दी चीज पूछा जाए, और पूछा जा सकता ट्राइकोमा मतलब, ट्राइकोमा डिसीज ऑफ द आई कॉज बाय इन्फेक्शन विद द बैक्टीरियम कैल्माइडिया ट्राइकोमैटिक्स, तो ये भी आंख का जो है तो डिसीज एग्जैक्ट एक्जिमा, एग्जिमा भी आंखों का छुपा सकता ये तो टीथ का निकलना चाहिए थे। है। नहीं सर, कॉमन स्किन कंडीशन दैट कॉजेज इचनेस एजेबी रैशेस ड्राई पैचेस एंड इन्फेक्शन, तो एजेबी एयर है, ये क्या था? फायरिया, फायर फायरिया फायर फायरिया फायरिया का वो है शायद ना सर, मसोड़ों से खून जाता। हाँ हाँ मसोड़ों से, तो एक टीथ से रिलेटेड में आ रहा हूँ, तो आप देखते हैं 9th का, उसका ए बिल्कुल सही है। एज सेकेंड इज द डिसीज ऑफ द फर्स्ट, तो ये भी बीमारी में आ रहा है, ट्रैक्टर है मायोपिया। और हाँ इस तरह ट्रैक्टर का क्या ट्रेलर का अगर टेलर है, टेलर कैसे हो गया? ट्रेलर, सर, वो ट्रेलर इसको बोलते सर, जो पीछे डालते ना, क्या बोलते, ट्रैक्टर में जो ट्रेलर मतलब रेप जिसमें भरे रहते हाँ हैं वो पीछे का वो हिस्सा, वाला, हाँ तो उसको ट्रेलर रहेगा। तो हॉर्स में क्या रहेगा? कार्ट आ कार्ट जाएगा, आता है, सैडल भी आ सकता है, कार्टिंग से और कार्ट सैडल मीन्स उसकी उसको बोलिए, सैडल। वो बैठने को बोलते हाँ हैं, ये बैठने, वो पैर रख के जो बैठते हो, ये बैठने वाला है कि पैर रखने बैठ वाला? का बैठने का चीज़ वो बैठने का, हाँ उस सीट, सीट ऑफ द राइडर रहेगा, तो वो हिसाब से एक्चुअली टेबल तो अस्तबल है, तो दो दो अस्तबल, दो तो तो होएंगे नहीं। कार्ट में से कुछ हो सकता है। ठीक है देखते हैं कार्ट, तो बी सेकंड हाँ इज पुल्ड बाय द फर्स्ट, तो बी इज राइट आंसर, जो कि कार्ड बिल्कुल सही था। कार्ड सही था, राइट, स्क्रिबल जो है तो राइटिंग से रिलेटेड है, तो स्टैमर किससे जुड़ा हुआ? स्टैमर मतलब हकला के बात करना, ये सीटेड में भी आती है चीज, स्पीकिंग है स्पीकिंग से रहना हाँ ना सर, स्टैमर। देख लेते एक बार, स्टैमर स्लैमर मालूम सर, स्लैमर हाँ स्पीक विद डिफिकल्ट, ये वाला सीटेड में भी पूछा जाता है, स्टैमर, स्टैमर। तो स्क्रिबल और स्क्रिबलिंग का भी आता है क्वेश्चन सीटेड में, स्क्रिबल का मतलब क्या है? लिखने में शुरुआती अंदाज होता है वैसा, स्क्रबल करके स्क्रिबल, इसमें बताएंगे आप। आड़ी तिरछी लकीरें से। हाँ आड़ी तिरछी उल्टा सीधा लिखना, ये डूडल स्क्रिबल, ये इस तरह। ओह आ हाँ ये सीटेट में भी काम आया, रहे हैं यस। तो ये स्टैमर जो है तो फिर स्पीकिंग, तो ये जो है तो सी फर्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रॉम द सेकेंड। उसके बाद में देखते हैं 12th, फ्लावर बर्ड, नो तो प्लांट का क्या रहे, प्लांट का सर, एक फ्लावर का बर्ड है तो प्लांट का कर लीजिए सर, मतलब फ्लावर जो है तो बर्ड मतलब क्या हो रहा है पहले, कली, कली और कली। बिना खिले भी हाँ तो प्लांट तो शुरुआती तौर पे है, 11 का आंसर क्या है सर? सेकंड है क्या, क्या सी है? हाँ इलेवन स्पीक है, सी सी स्पीक, बोलने में मतलब जो हैमर स्टैमर होता है, हकलाते हैं। हकलाना। फ्लावर का बर्ड अगर है कली, तो प्लांट का क्या हो? प्लांट का फ्लावर टेस्ट फ्लावर ट्विक, तो अभी ये फ्लावर फ्लावर तो नहीं होगा, ट्विक फ्लावर क्वीकी चुंगा सर मेरे पास, मीन्स क्या होता है, उसकी क्या शाख, शाख देखते हैं ट्विक। ये इस तरह, शाह रहने का पौधा, तो रहने का पौधा, ठीक ये भी हो सकता है, है सर आप बर्ड कली। देखते हैं 12th, और किसी को दुविधा? उसका है ए ए फर्स्ट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंड, अच्छा सीड, सीट से आएगा प्लांट। ट्री अच्छा प्लांट अगर पूछता था तो फिर वो शाख का वो आ सकता था, है ये वो तो प्लांट ही था डायरेक्ट, तो सीट, सीड फ्लावर जो है तो बर्ड से। बर्ड से आता ना, एराटा बुक, फ्लावर्स, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। इराटा का मतलब क्या है? हाँ एरा,
एरातम। मिस्टेक इन अ बुक और एनी प्रिंटेड और रिटन डॉक्यूमेंट शोन इन अ लिस्ट एट द बैक और फ्रंट ऑफ इट एडेड आफ्टर द बुक इज प्रिंटेड। तो इराटा मतलब क्या है कि वो बोल रहे हैं गलती गलती सुधारने के लिए क्या करते हैं कि बुक के अंदर गलती अगर आ रही है तो क्या होता है कि मिस्टेक अगर हो जाती है लिस्ट ऑफ बैक और फ्रंट इट एडेड आफ्टर द बुक इज प्रिंटेड। बुक जब प्रिंट हो जाती है तो आप जैसा हाथों से क्वेश्चन पेपर बनाए तो उसको उन्होंने वरना बना दिए, इस पे जेर जबर लगा दिए, कुछ लगा दिए, तो वो गलतियों को सुधारने का उसके बाद की छपाई मतलब आप जो कर रहे हैं। तो इराटा बुक्स, तो फ्लॉस, अब फ्लॉस क्या है, फ्लॉस वही है ना सर, सामिया। अच्छा का मीनिंग मिस्टेक। गलती अ मिस्टेक इन समथिंग दैट मेक्स इट नॉट गुड इनफ और मीन्स दैट इट डज नॉट फंक्शन एज शुड, मतलब जैसे काम करना चाहिए तो वो वैसे अगर काम नहीं कर रहा। मिस्टेक ऑफ समथिंग दैट मेक्स इट नॉट गुड इनफ, तो ये आ रहा है फ्लॉप क्लॉज है। उर्दू में देखो अमार्क और क्रैक इन एन ऑब्जेक्ट मीन्स दैट इज नॉट परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्शन नहीं है। हाँ परफेक्शन ना होना, तो उस हिसाब से क्या आएगा। मैन्यूस्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट, मेटल्स, स्पीच, कैरेक्टर सर, कार्टर। मेटल में बोले तो मेटल मेटल में भी फ्लॉ हो सकता है, चार्टर है कि क्या है, कैरेक्टर है कि चार्टर है। चार्टर। हाँ चार्टर मींस क्या बता रहा है कि अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ द राइट बिलीफ एंड पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, द रेंटिंग ऑफ अ शिप प्लेन और पर्टिकुलर पर्पस ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, इसे कार्टर अलाइन आता है, चार्टर, चार्टर अलाइन। तो चार्टर पढ़ना है इसको, चार्टर क्या हो रहा है, ये रिटन स्टेटमेंट ऑफ राइट बिलीफ पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसके कुछ भी अधिकार, रूल मान लीजिए, रूल मान लेंगे, जैसे कि रूल की एक एग्जाम्पल भी उसमें दी गई थी, तो रूल हो गया सपोज ही। और ये क्या थी, जैसे काम करना है वैसे नहीं होना। स्पीच, स्पीच तो कोई स्पीच है, मेटल्स मतलब लोहे, लोहे की चीजें, और मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है फिर, मैन्यूस्क्रिप्ट तो पुराने कदीम जमाने की, पर उसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैंने इसके लिए हैंड रिटन कंपोजिशन ऑन अ पेपर, बार, बार क्लॉथ, मेटल मेटल, पाम, लीफ और एनीथिंग मटेरियल डेटिंग बैक एटलीस्ट 75 ईयर्स दैट हैज सिग्निफिकेंट साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, एस्थेटिक वैल्यू, लिथोग्राफ एंड प्रिंटेड वॉल्यूम्स आर नॉट मैन्युस्क्रिप्ट। तो इसकी डेफिनेशन होगी, अब हम देखते हैं इसका आंसर, वो हो रहा है बी, एराटा कंप्राइज ऑफ एरर्स इन बुक, वगैरह तो मेटल सर, वो तो बी आ रहा है मेटल्स। क्यों हुआ ये, लोहे की चीजों में सर वो आ सकते ना सर, उसमें क्या आ गलतियां। सकते हैं, कॉपर कॉपर, आयरन, सोडियम, कैसी गलती आई, बनावट में इसको सुधार नहीं जा सकता सर, लोहे की चीज सख्त रहती, एक बार जो बन गई उसको वापस है तोड़ के वापस बनाना पड़ेगा ना सर, उसको अपन वो नहीं कर सकते, इराटा नहीं कर सकते ना सर। एराट मतलब आपने ऐसा बोले नूने गुन्ना बना देना वो करना, तो मनुस्क्रिप्ट में हो सकता सर, वो स्पीच हाँ में भी हो मतलब सकता, आपने बोले कि सोने की चीज का आप रिंग बना दो, तो उसको तो फिर से दोबारा उसको वहीं के वहीं ऐसे नहीं बना देंगे कि बाली नहीं बना मतलब सकते। पायल, हाँ पैर, पैर में वो पहनने के लिए बाली बना नहीं देंगे, बना हाँ सकते ना बाली नहीं उसको, बना देंगे डायरेक्ट, उसको फिर से जो है तो वो करना पड़ेगा, रीप्रोसेस, आप आप कुछ उस तरह से चार्टर भी राइट बोल तो एक रूल ही है ये, स्पीच भी बोले तो आप बदल सकते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट भी बदल दी जा सकती, मगर राइट राइट उसको लोहे को क्लियर नहीं किया जा बताता सर। सकता, राइट राइट। चार्टर का क्या मतलब था, वही चाहे याद है रूल किसी को, रूल्स हाँ रूल्स रूल, का बदले जा सकते, राइट। वही तो, गन का बुलेट अगर है तो चिमनी का क्या होगा, चिमनी बोले तो एक रेडली से गन का बुलेट उसके रिलेशन भी देखना है, गन से निकलने वाली चीज बुलेट, जो कि काम मेन बुलेट का हो रहा है, स्मोक होगा फिर सर, तो वो चिमनी से क्या निकलता है, धुआं धुआं निकल, निकलता है, देखो धुआं देखो निकलने वाली चीज, गन से निकले बुलेट तो चिमनी से धुआं स्मोक। धुआं निकल, उसका आंसर क्या बोले सर, इससे पहले का जो इससे क्वेश्चन सर पहले का 13 मेटल्स, का, मेटल बी है, एराटा बुक्स, यानी कि आप गलती को सुधार सकते हैं वहीं के वहीं, लेकिन अब जैसे मेटल से कोई चीज बता दिया आपने, बोले कि एक कलसी बना दो चांदी की या फिर कोई चीज, तब आपको ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ा सा
शेप बदलना चाहिए था, तो आप वहीं के वहीं नहीं बना सकेंगे उसको, क्योंकि वो उसका शेप जब बन जाएगा तो फिर से उसको रीप्रोसेस करना पड़ेगा, रीप्रोसेस सुधारा नहीं जा सकता, मतलब फिर वो गलती। आप जाके बोलेंगे कि हमने आपको गलती नहीं बोले थे, ये चीज बोले थे, तो वो उसको टाके वक्त नहीं बना के लगता देगा। हाँ, ये इसकी जगह पे अपन बदल दिया जाता। ये जगह पे बदल सकते। फ्लावर्स आर द डिफेक्ट इन मेटल्स, डिफेक्ट्स सेकंड मेटल में डिफेक्ट आ। सेकंड कम्स आउट ऑफ द फर्स्ट, उसका हाँ डी है। हाँ, स्मोक, मतलब गन से अगर बुलेट निकल रही है तो चिमनी से धुआं सही निकल रहा है। बिल्कुल सही। उसी मतलब तरह से ब्रीज का, अगर साइक्लोन है तो ड्रिजल का क्या है? ब्रीज, इधर लीजिए सब पहले ब्रीज का ठंडी मतलब हवा, क्या होता है? ठंडी हवा है नहीं जैसे सर, कि ठंडी हवा है उसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? सर, फजर के टाइम सुबह सुबह घर के बाहर निकले तो भाई ठंडी हवा है। फजर के बाद जेंटल विंड, हाँ अ ठंडी कूल समर ब्रीज। ब्रीज, फजर के बाद जाइए हाँ, ना, वो ठंडी हवा। हाँ राइट, सूरज निकलने के बाद नहीं होता वो। बराबर। तो उससे हल्की सी हवा ही है तो साइक्लोन बन रहा है। साइक्लोन मतलब जो हवा चक्र जो जो आता है वो। तो ड्रिजल कहाँ पर आता है पहले ये बोलिए। ड्रिजल मीन्स पानी के ऊपर फ्लड बूंदाबांदी रहेगा, बूंदाबांदी, बूंदाबांदी, सर, मौसलाधार बारिश, डॉन डॉन फोर। मेरे ख्याल से फ्लड होगा बूंदाबांदी से फ्लड, आ सकता। अब अगर स्टॉर्म, हल्की सी ब्रीज से साइक्लोन आ रहा तो ड्रिजल से फ्लड भी आ सकता। रिजल्ट देखते। बूंदाबांदी, फुहार, लाइट रेन विथ स्मॉल ड्रॉप्स। अब तो डाउनपोर का मतलब देखो ब्रीज सर, से साइक्लोन, मतलब उससे जब बढ़ जाएगी अगर हवा तो साइक्लोन बन जाएगा। तो तो ड्रे फ्लड बूंदाबांदी बढ़ गई तो डाउनपोर, मतलब मौसलाधार बारिश, ये भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि सैलाब। डाउनपोर सर, दोनों में कंफ्यूज सर, देखिए क्या देखते बोल। हैं, डी है इसका, मोर इंटेंस देन द फर्स्ट। तो डी, डाउनपोर, जिसको कहेंगे हाँ सर मौसलाधार बारिश। सही अभी है सर सबको ये मालूम था कि इट्स रेनिंग, बारिश हो रही, तब आप मौसलाधार बारिश में डाउनपोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली बार। हाँ डाउनपोर। पहली बार वर्ड सुबह हाँ बराबर। तो ये ऐसी चीजें, नए नए चीजें भी सीखने मिलते हैं, मतलब कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम ये बहाना होता है कि कुछ सीख ले। वर्ड हाँ, नए वर्ड स्टडी कर ले, ये चीजें मैं तो आमतौर से हो नहीं पाता है, जो ऑर्डिनरी लाइफ चलती है वही चलती है इसलिए। और ड्रिजल का भी मतलब तकरीबन वही है बूंदाबांदी वही चल रही है, ड्रिजल, बूंदाबांदी। ब्रीज, साइक्लोन। स्टॉर्म क्यों नहीं हुआ? तूफान, सर हवा है, हवा है, हवा है। मतलब उसका तूफान का रीजन क्या है? फर्स्ट बेसिक नहीं, तूफान सर कब आता है? आंधी, तूफान, तूफान। हवा हवा चालू होने से, विंड हाँ, तो इसका भी हवा से रहे, विंड हाँ विंड विंड, विंड विद, मतलब दो तीन चीजें उसमें मिक्स होती है सर, मतलब क्लाइमेट जरूरी। और एटमॉस्फेयर। मतलब तूफान डायरेक्ट जैसा जो आने के उसके इंडिकेशंस होते हैं, जैसे अर्थक्वेक है झटका तो सिस्मोलॉजी से वो लहरें, पहले वो एक झटके महसूस किए झटके जाते हैं महसूस किए जाते, उस तरह से। और फ्लड का रीजन क्या होता है? कोई बारिश पानी ओवरफ्लो हो जाना, रिवर से निकल जाना, कार रिवर्स। कार गैरेज तो एरोप्लेन। का अगर गैरेज है, मतलब कार सुधारने की जगह गैरेज अगर हो रही है, तो एरोप्लेन इधर सुधारने की लीजिए जगह सर, क्या हो रही है? हार्बर, हार्बर, हार्बर या हैंगर हैंगर, में तो रखते हैं उसको। डिपोर्ट, पोर्ट। पोर्ट मतलब यहाँ पे तो उतर रहा है ना एरोप्लेन, पोर्ट पर लैंडिंग। कार अगर गैरेज में होगी, पनिशमेंट। हाँ, कार का गैरेज है तो एरोप्लेन का, हैंगर या हार्बर में से एक रहेगा सर, देखो हैंगर किसको, हैंगर यहाँ पर रखते हैं तो मेरे ख्याल से हार्बर होगा। हैंगर, हार्बर, सबका देखते हो। सबसे पहले देखते हैं पोर्ट मतलब क्या है। पोर्ट वो नदी इज किनारे रहता अ, हो, हाँ, मैरिटाइम फैसिलिटी कंप्राइज वन और मोर वार्फ्स और लोडिंग एरियाज, शिप लोड एंड डिस्चार्ज कार्गो। तो ये क्या हो रहा है कि शिप्स का हो रहा है कार्गो, मतलब समंदरी जो हार्बर है, कोस्ट लाइन पे होता है, मतलब साहिली इलाकों में ज्यादातर पोर्ट, जिसको क्या कह सकते हैं, बंदरगाह, बंदरगाह जिसको बोलते हो। बंदरगाह हाँ, डिपोर्ट, डिपोर्ट, डेपो, डेपो, अ प्लेस वेयर लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल, बसेस, लॉरीज, ये बस वगैरह जब आते। हाँ, जो इस्तेमाल में ना हो, गोदाम, या भंगार खाना हो वो भी होगा क्या? सकता है सर।
अब यू नाम यूज में ये मतलब इससे रिलेट पूछ रहे हैं ना, रुकने की जगह। वही तो सर, हार्बर या हैंगर दोनों में से एक होगा। डीपो, डीपो कहा जा रहा है इसको, डीपो, डीपो। अब देखते हैं हैंगर, हैंगर है ये, क्या है? या एरोप्लेन को रख दो उसको हैंगर में। नहीं, एरोप्लेन का डालो। हैंगर इज अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर डिजाइन टू होल्ड एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट। हैंगर्स आर बिल्ट फॉर मेटल, वुड और कंक्रीट। द वर्ड हैंगर कम्स, ये देखिए हैंगर। हाँ, तो ये गैरेज के जैसे यहाँ पर होल्ड दिख रहा है, देखिए हाँ, हार्बर का नहीं, हार्बर एयरक्राफ्ट हैंगर। उसका प्रोनाउंसिएशन वही है क्या? हैंगर ही चीज। हैंगर हाँ, हैंगर। तो लटकने से मुराद में उसको हैंगर कर दिया गया गैरेज से। अब कौन सा देखना है मतलब? हार्बर हाबर। चलो एयरप्लेन हटाइए सर। आपने तो हार्बर का मतलब हार्बर इज अ शेल्टर्ड बॉडी ऑफ वाटर वेयर शिप्स, बोट्स एंड बार्जेस कैन बी ये मूव्ड। पानी का ऐसा। हार्बर इज ऑफन इंटरचेंजेबली विद पोर्ट। बंदरगाह ही हो रहा है, इंटरचेंजेबल हैंगर वर्ड ऐसा ऑफ पोर्ट। सर, जो हम गेम तो खेलते हैं ना, तो हैंगर। गेम हाँ के अंदर एक भी जगह हैंगर एरोप्लेन आ जाती ओके, उस तरह से हैंगर। उस पर ऐसा अंदाजा हुआ अच्छा सर, जी, हो सकता। तो इसमें देखते हैं इसको। तो इसका सी, हाँ फर्स्ट इज टेम्पररी पार्क इन द सेकेंड। फर्स्ट थिंग इज टेम्पररी, जब पार्क होती है तो हैंगर ही कहेंगे उसको, एरोप्लेन का। उसके बाद अब है रेस, रेस, पटी, पैटिक, पास्ट, एपेटाइट, पास्ट रोजा। रेस, रेस किससे मुराद लिया गया? पटी मतलब सर वो है ना एग्जॉशन, बर्नआउट, फीलिंग ऑफ कॉन्स्टेंट एग्जॉस्टन, थक जाता है ना। बर्नआउट और लैक ऑफ एनर्जी, थक जाना। पटीक बोलते, पटीक हाँ, पटीक, पटी पटी पटीक रह रहे सर हो। वो हम जिम करते हैं ना, तो हाँ, मसल पटी हो जाता है, मसल पटीक। और उसको रेस से क्यों लिया गया? भाग के थक जाए। दौड़ने से, दौड़कर थक जाना। ताकत का इस्तेमाल बहुत होता ना रनिंग। हाँ, पटीक, पटीक का उर्दू में क्या रहा है? थकावट, पटीक। पटी और इसके सिमिलर वर्ड डिफीट, डिफीट नेकलेस। हाँ, ये तो नया दिख रहा, ये रंग मिलेंगे। तो फास्ट, रेस से फटीक होगा तो फास्ट रखने से क्या होंगी? भूख हंगर होगा, लगेगी, हंगर होगा सर। एपिटाइट भी भूख होती है ना, तो नहीं नहीं सर, क्या एपेटाइट मतलब होता है? खाने भूख, की, उसको बोलते हैं ना बॉन एपेटाइट, भूख भूख ही होगा उसको, एपेटाइट। एपिटाइट। नहीं सर, मगर यहाँ पे फटीक तो हो रहा, वो तो वीकनेस आ जाएंगे सर। वीकनेस, हाँ सर, फास्ट से वीकनेस हो जाएंगे, फूड, फास्ट वीकनेस होगी। देख लीजिए सर। 17, सी सी फर्स्ट कॉजेज द सेकेंड। तो हंगर, सी हंगर। हाँ, क्योंकि वीकनेस बोले तो उसके फिर ड्रॉबैक्स होते थे, उसके बेनिफिट से पास अच्छा करने के। तो अच्छा हंगर भूख लगती सर। हंगर, भूख। एपिटाइट क्यों बोल रहे हैं? कि भूख की कमी ये बीमारी में आती है। एपिटाइट मतलब भूख ना लगना जिसको बोले, तो उस हिसाब से हंगर, आई एम फीलिंग हंगरी, तो उसमें इस तरह से आई एम फीलिंग एपिटाइट में ऐसा, इस तरह से नहीं आना इसकी। उसके बाद कैंडल अगर वैक्स से बन रही है, मोम से, मोमबत्ती, तो पेपर किससे बन रहा है? वुड्स, वुड से, ट्री से, सेव पेपर, सेव, सेव ट्री। ट्री मोटिव लगा दे आप, फिर रहेगा या वुड? इधर लीजिए बैम्बू पल्प। और पर्प, पल्प से तो रस बनेगा, जूस। नहीं सर, वुड पल्प भी रहता वुड पल्प भी रहता।
पल्प तो वो रहता है। हाँ मगज को बोलते हैं उसकी, मक्स, वुड पल्प, हाँ गोदा मतलब पल्प, जैसे कि पल्पी लकड़ी का गोदा रहता है क्या? जूसी इस तरह से जो आता है ना, तो पल्प मतलब उससे बने। तो ये पल्प बैम्बू बैम्बू पे भी तो छोड़ नहीं, दो, दोनों हाँ तो ट्री रह सकता है या वुड। भी ट्री के अंदर आ रहे हैं ना, वुड भी ट्री के अंदर ही जा रहा, पल भी ट्री के अंदर ही जा आपका रहा वुड ले लेते, हम ट्री ले लेते। सर हम। अच्छा ठीक है, 18, उसका दोनों भी नहीं आएगा, बस में बोला ना थोड़ा पल्प, 10 सेकंड। डीवी बोला पल्प, उसके अंदर पल्प से बनता, हाँ वुड का ही इसलिए पल्प आता था, जितना भी बात आता था वुड का बराबर पल्प राइट, रहता, बोल गई। पैसा लगाया गया फिर भी 18 का सचमुच में ही है क्या? ठीक ही है, क्यों लिए मैंने ऐसा? कैंडल वैक्स। सर एक्चुअली वैक्स मोम जो रहता वो नरम गुदा रहता है, हाँ मोम में एक नरम गुदा है। हाँ अब लकड़ी का जो पल्प है वो भी नरम ही रहता है सर, तो उसको दबाने में आसानी थे, लकड़ी एक मोटी ठोस रहती, लेकिन उसका जो झाड़ के बीच का हिस्सा आप गौर करेंगे हल्का सा नरम रहता, दबता अपने हाँ हाथों से, बराबर। उसी से पेपर बनता ना सर, और ये तीनों चीज भी ठोस है हाँ पर ये नरम है अकेला। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर इस तरह से कंफ्यूज किया है कि कैंडल को उन्होंने वैक्स बता दी कि हमारे दिमाग के सोर्स ऑक्टेव या सोर्स फिर सोर्स टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर सोर्स इस्तेमाल नहीं उसकी किया गया मैटर ऑफ उसकी। स्टेट था, हाँ मेटल ऑफ स्टेट, यहाँ मैटर पर सॉलिड और थोड़ा ये मतलब क्या कंफ्यूज किया, सॉफ्टनेस एकदम, मतलब क्या बोलेंगे उसको, सख्त हो क्या बोलेंगे, सख्त हार्ड हार्ड और या सॉफ्टनेस, ये हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ये लॉजिक यहाँ पर लगाई गई। ये नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिंग अगर थिएटर से जुड़ा है तो गैम्बलिंग किससे है? कैजिनो कैसीनो, से। तो बिल्कुल ये पहले देखे थे हमने, ए प्लेटफॉर्म ऑफ फर्स्ट राइट। उसी तरह से वेनेरेट का वॉरशिप है तो एक्सटॉल का क्या हो, वेनेरेट मतलब क्या है? मतलब ही तो फिर मैं रहा डायरेक्ट ना, पहले ताजीम करना, इज्जत ताजीम है, वेनरेट 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 रिस्पेक्टिंग रिस्पेक्ट रिंग वे है, तो वॉरशिप एक्सटॉल मतलब का कोई भी मतलब अगर जैसा जहाँ पर ताजीम का मुकाम है, अजमत ना, वाला मुकाम, एक्सटॉल नहीं मस्जिद भी एक ना, वॉरशिप का प्लेस है, तो एक्सटॉल मतलब क्या है? तारीफ। अब ताजीम एक्सटॉल होम एक्सटॉल, अब इसका क्या हो जाएगा तारीफ में? मेड सर, मेरे कॉम्प्लीमेंट या होम मेड, ग्लोरीफाई ग्लोरीफाई क्या है? ग्लोरीफाई उसको बड़ा चढ़ा के बता, तस्बीह, ग्लोरीफाई अजमत देना, ताजीम अजमत बड़ा नहीं, तस्बीह बड़ा के बताना था राइट। उसमें, होमेज होमेज मतलब उसको क्या करते हैं मरने के बाद, सिराजे अकीदत पेश करना। हाँ मरने के बाद ही होमेज, देते शर्म, हाँ होमेज 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 बोलना, होमेज से याद रख लीजिए, एहतराम, सिराजे वही तो होमेज, अकीदत। आमिर कोई मर गया तो उसके वही सिराजे तो अकीदत मेरे को करें इतना मालूम है, वो राइट। तो होमेज दिए थे हाँ एक्चुअली सर, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्रिश्चियन क्रिश्चियन उसमें पड़े हुए हैं ना, तो हमने होमेज ओके देते अच्छा, रहते हैं, अब एक्सटर्नल मतलब तारीफ का, कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है? तारीफ तारीफ ही होता है, रिकमेंड करना, नहीं सर, ये रिकमेंड तरजीह नहीं देना। कर नहीं हाँ होता, तरजीह तो देना कॉम्प्लीमेंट रहेगा मेरे ख्याल से, कॉम्प्लीमेंट। और कोई तो है उसका ए है, द वर्ड इन ईच पेयर आर सिनोनिमस, हर पैर में उसका दूसरा ही मतलब है, मतलब दोनों का। वर्शिप ताजिम करना, तो वर्शिप भी जब करते हैं हम लोगों ने डायरेक्टली उसको वर्शिप यानी कि इबादत का मुकाम कर लिया था, तो उसका मीनिंग नहीं देता था, तो वर्शिप मतलब इबादत, इबादत ताजिम एहतराम से ये हो रहा है उसका तो मतलब। एक्सटॉल का मतलब क्या है सर? और एक्सटर्नल मतलब जैसे कि तारीफ करना था, तो एक्सटर्नल तो का तारीफ बड़ा चढ़ा के छेड़ते ना, ग्लोरीफाई, हाँ ग्लोरीफाई का पहले क्या देखा था, अब रिपीट जाते, होमेज करा दे अफीदत, ग्लोरीफाई तस्बी, तस्बी करना अजमत देना यानी कि तारीफ करने में आ रहे, वही तो एक्सटॉल मतलब तारीफ बयान करो या फिर नाम लो इस तरह से, हम्द जैसा आ जा रहा है तो उसको ऐसे रखे उन्होंने एक हिसाब से, तारीफ बयान करना तस्बी करना। सर, पहली सुबह से बार तो मतलब ऐसा वेनरेट कि और एक्सटॉल का मतलब ही नहीं मालूम था सर, हाँ वो ऐसा एक शेर है ना कि सुबह में बाग पे पड़ती है शबनम फक्त इसलिए कि पत्ता पत्ता करे तेरा जिक्र बावजू होकर, इस तरह से शेर है कि सुबह में बाग पे शबनम पड़ती है इसलिए कि पत्ता पत्ता करे तेरा जिक्र मतलब अल्लाह का बावजू होकर, तो वो जिक्र करना तस्बीह ग्लोरीफाई होता था एक्सटॉल ठीक है तारीफ करना,
वर्शिप, ताजिम, इस तरह से वो चीजें आती है। वाटर उसी कन्वेक्शन तरह से वाटर का अगर कन्वेक्शन है तो स्पेस का क्या हो? मेरे ख्याल से वैक्यूम आगे का नहीं। कन्वेक्शन का देखते हैं। नकलो हमले करना, मतलब नकलो हमले यानी कि कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन इधर से उधर जाना, नकलो हमले करना वाटर से, मतलब हम वाटर का स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्पेस का बहताना क्या हो? वाटर राइट, नहीं बहने की बात नहीं, वाटर जैसे कि सी, समंदरी रास्ते, ये वो, वाटर से कन्वेक्शन, तो फर्स्ट सोर्स इस्तेमाल किया गया, स्पेस का क्या होगा? तो कंडक्शन, ट्रांसपेरेंस, वैक्यूम, रेडिएशन। वैक्यूम वैक्यूम, वैक्यूम क्यों? में वैक्यूम हो रही थी ना सर। देख रेडिएशन भी तो हो सकता है। करो सर किस कन्वेक्शन का क्या आता? नकलो हम, उसका है डी। सेकंड इज द मोड ऑफ ट्रांसपेरेंस, हीट ट्रांसपेरेंस ऑफ हीट बाय द फर्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसपेरेंस ऑफ हीट। सेकंड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि हीट जिससे ट्रांसफर हो रही है फर्स्ट, सर एक मिनट फिक्र लीजिए। तो हीट भी आती है सर वाटर से, कन्वेक्शन में मैं आती है ना सर। इसमें जवाब भी दे रहा है ना, मतलब वो क्या बता रहा है, देखिए वाटर को देखिए, वाटर से जब हीट ट्रांसफर हो रही है तो कन्वेक्शन हो रहा है बोल रहा है, और स्पेस से जब हीट ट्रांसफर हो रही है तो रेडिएशन रेडिएशन बन रहा है, ऐसा था उस लॉजिक। ग्रोथ का अगर डेथ है, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं ना सीडीपी में भी, चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके अंदर ग्रोथ एंड और क्या देखते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिर पढ़ते बाद हैं, में ओल्ड एज तो आता है। ग्रोथ टू डेथ, हाँ ओल्ड ग्रोथ एज के से बाद फिर सर बढ़ने से लेकर डेथ तक, तो इंक्रीज से क्या होगा? तो यहाँ पर लॉजिक क्या बताया जा रहा है कि बढ़ना या फिर ग्रो होना, तो वो रिलेट कर रहा है डेथ से, मरने तक, तो इंक्रीज होना, खत्म होने में क्या आएगा? इज मतलब क्या होता है? इज टीज मतलब क्या होता है? टीज, छेड़ना टीज का मतलब हो रहा है तंग करना, कर छेड़ना, तंग करना, और सीज का मतलब क्या हो रहा है? लेना सीज कर लेना, प्रॉपर्टी सीज कर लिए, बंद कर देना, जब्त कर लेना गाड़ी सीज, सीज, सीज हो हाँ जाती है सर। गाड़ी सीज हो रही, तो इंक्रीज, सीज, डिक्रीज, तो खत्म होने से मुराद, और इज का क्या था? आसानी मेरे सर आसानी, हाँ आसानी, तो फिर वो सीज हो सकता है, हाँ तो उसका सी बिल्कुल सही जवाब है, एंड टू एन एक्टिविटी। और यहाँ पर तो हमारी ठीक जूम मीटिंग भी अभी खत्म होने वाली है, एक बार और हम लिंक भेजेंगे और बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे, तो अभी जो भेजेंगे ना तो उसको ज्वाइन कर लेना आपने, क्योंकि 1 मिनट में खत्म होने वाली है जूम मीटिंग ऑटोमेटिक। ऑक्सीजन का अगर बर्न है तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? इधर लीजिए सर। हाँ ऑक्सीजन बर्निंग में काम करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में, एक्सटिंग्विश, आओ एक्सटिंग्विशर जो बिल्कुल होते हैं सर बुझाने, बिल्कुल से 23 का सी है सर। सर राइट, सी इज राइट आंसर, ऑक्सीजन कट कर देता सर। ऑक्सीजन कट करता, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। डॉग बाग करता है अगर, तो गोट क्या करता है? लीट लीट करता है।